अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज होली का जलाई चाहिए। बस मैं खोलियार माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस होलिका के साथ तुम्हारे पाप भी जल जाए। और देखना, सच्चाई सबके सामने आके ही रहेगी। कौन बताएगा सच्चाई? तुम दोनों खुद अपने मुंह से मालिक को सच्चाई बताओगे अपनी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम खुद अपने मुंह से मालिक को अपनी सच्चाई बताओगे। ठीक 7 दिन बाद। मुझे नहीं लगता कि इसकी किसी बात का फर्क पड़ना चाहिए हम पे। मुझे भी नहीं लगता कि फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसे कुछ करना होता तो अभी तक कर चुकी होती। पर मामा से सतर्क रहना होगा हमें। अरे आपने इतनी आसानी से कह तो दिया कि सरू को आपने घूस दी है, लेकिन कहाँ है वो सर? कहाँ से लाएंगे हम जब वो है ही नहीं? वो तो है, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो हम घर तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना? नाना जी ने कहा है कि 1 घंटे में वापस आना है। डोंट वरी सिंड्रेला, इस गाड़ी के कद्दू बनने से पहले मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। नहीं समझी? मेरा कहने का मतलब है, आधी रात होने से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। म्यूजिक आज गांव वालों के सामने तो दिखावे के लिए हम परिक्रमा करेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि यह संतुड़ी इसका हिस्सा बने। कहाँ जा रही है?
कोई आवश्यकता नहीं है वहां जाने की, समझी ना। परिक्रमा करना तो दूर, सोचना भी मत इसके बारे में। नफरत करते हम सब लोग तुझसे, नफरत। खबरदार अगर इस परिक्रमा का हिस्सा बनी तो तू समझी। परिक्रमा पूजा करने के बराबर होता है, और आज तक कोई किसी को पूजा करने से न रोक सका है और न रोक सकेगा। आप लोग चाहे जो भी कर लो, पर मैं ये पूजा करके ही रहूंगी। सबको घुमाने का बड़ा शौक है ना तुझे। अगर तू परिक्रमा का हिस्सा बनी ना तो अकेली घूमती रह जाएगी, समझी। हम सब लोग वहां निकल जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है? पूजा तो मैं करके रहूंगी होलिका माँ की। होलिका दहन प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की विजय का पर्व। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर अंत में जीत अच्छाई की ही होती। आइए मालिक, आप होलिका की परिक्रमा कीजिए। आप लोग भी आइए। आप सभी लोग एक दूसरे को शगुन का गुलाल लगाइए। आप भी अपने पति को शगुन का गुलाल लगाइए।
मने खबर छे के गांव के सब रहवासी यहाँ उपस्थित है, पर तो मैं ढोंग नहीं करने वाला। जो सत्य है ना वो सत्य है। मुझे भी कोई ढोंग नहीं करना। तो सत्य है वो सत्य है। मालकिन, दुनिया की नजरों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। मुझे पता है आपने क्या किया, किसी को पता भी नहीं चला और आपने रंग झाड़ते हुए मालिक के पैरों में रंग भी गिरा दिया। क्योंकि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मालिक और मेरे रिश्ते की शुरुआत नफरत से ही हुई थी और आज फिर से हमारा रिश्ता उसी मोड़ पर आ गया है। मैं जानती हूँ कि घर वाले मुझसे जितनी नफरत करेंगे वो लोग एक दूसरे के उतने ही करीब आएंगे। और मेरा लक्ष्य यही है, घर की उस लकीर को मिटाना जिसे खुद मेरे पति मिटाएंगे। धर्मराज मैयावंशी। मोंगी, तू अब आ रही है और वो भी सारंग के साथ? कहाँ से आ रही है? खेमी बहना, मैं घर से आ रही हूँ। सारंग आए थे हमें लेने, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, चल तू, मैं आती हूँ। ये है शगुन का गुलाल, जिसे लगाना चाहते लगा दे। थैंक यू। मैं नहीं चाहती कि शगुन का ये गुलाल तुम मुझे लगाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये गुलाल मैं तुम्हें लगाने आ रहा हूँ? मैं तुम्हारे पास नहीं बल्कि मूंगी के पास जा रहा था। वो क्या है ना कि तुम हमेशा मेरे बीच में आ जाती है। शगुन का गुलाल है इसीलिए लगा दिया। तुम नहीं लगाओगी? अरे बिरवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर साल की तरह जो तुम शीरा बनाती हो प्रसाद का, हो जाओ लेकर आओ। आज शगुन है,
होली कल है, समझी? आज क्यों रंग डाल रही है? मैं ही मिल गई तुझे, सारी साड़ी खराब कर दी शैतान। हट, जब देखो तब मुंह फुला के गुस्सा करती रहती है। घर तो घर, ये होली के दिन में भी मेरा मुंह खराब कर दिया। मैं नहीं सहूंगी घर की स्मूति बहन जी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा तरु बहन, अच्छे लग रहे हैं आप। आखिर डायमंड मर्चेंट की पत्नी जो हूँ। ए चंपागली, गुलाल का थाला। गॉटन आइडिया मैडम जी, अब मैं बताती हूँ सुरंगे पसंद के साथ क्या करना है। चल देना, आज तेरी पसंदी के इज्जत का सवाल है। क्या मतलब? उनको शगुन लगाना है। जाओ। अरे मेरा मुंह क्या दिख रही हो? जाओ ना। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस नंदिनी ने जरूर कुछ। अब आएगा मजा। अरे आना जल्दी, क्या है वो? स्लो मोशन। वो बासाहेब। क्या है? बासाहेब बासाहेब, चल अभी चल चल निकल। लगाइए। अरे नंदिनी, उस गुलाल के साथ क्या किया तुमने? अरे देखो तो सही, सुनने से नहीं देखने से मजा आएगा। मजा? कैसा मजा? मैंने उस गुलाल में पक्का रंग मिला दिया है, जैसे केरोसिन से निकलेगा। जी जी, क्या किया तुमने? हाँ, अगर बास आपको पता चल गया तो मारेगी तेरे को। हाँ, मैं लगाती हूँ। ये आती हूँ मैं पकड़ना। सबसे पहले आप दोनों को बहुत खुशी की बात है बेटा कि पूरे साल में यही दिन सब काम छोड़कर तू सब चीजा बनाती है। थैंक यू बाप। अरे ये क्या, विरुवा मैया वंशी अपने हाथ से लोगों को सीरा परोस रही हैं। यही नहीं, सीरा खुद उन्होंने बनाया है। अच्छा? हाँ, सच सुना है विरुवा बहन हर दुलेटी पर सुभद्रा माँ की याद में खुद सीरा बनाती है और खुद ही सबको परोसती है। शीरा बनाना है? बहुत आसान है, आसान है। मैं सिखाती हूँ। शीरा अच्छा है तो आप बख्शिश नहीं देंगे? आज पहली बार मेरी बेटी ने कुछ बनाया है, वो भी प्रसाद के रूप में। ये ले तेरी बख्शिश। अपनी शीरा खाया था उसने, उसे खाने की बात ही
थोड़ी को दर्द, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रसाद में कुछ गड़बड़ है? संभाल के थोड़ा बेटा, संभाल के बेटा। पर प्रसाद तो बिरवा लाई है, बिरवा ऐसा कुछ क्यों करेगी? ये सब हो क्या रहा है इस घर में? अगर भीमवा नहीं तो क्या बिरवा, क्या बिरवा ऐसा कर सकती है? अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।